अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आइए आपको दिखाते हैं वो महिला शक्ति जिसके आगे पूरा देश नतमस्तक है। एयरफोर्स की ये वो जाबाज लड़कियां हैं जिन्होंने अपनी बहादुरी से नए इतिहास को रचा है। फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर हैं, जिन्होंने MiG-21 बाइसन में उड़ान भरी है। न सिर्फ भारतीय वायुसेना को बल्कि पूरे देश को उन पर गर्व है। MP की रहने वाली अवनी कॉम्बैट रोल के लिए तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर अपने यहाँ तक के सफर को उन्होंने न्यूज नेशन के साथ साझा किया। हमें सपने बड़े देखने चाहिए और मेहनत करनी चाहिए और अपने सपनों को फॉलो करना चाहिए। जब आप किसी चीज़ को फॉलो करते हैं, परस्यू करते हैं, तो रास्ते में बहुत सारी अड़चनें आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, अच्छे बुरे दिन भी आते हैं, लेकिन आपका उस लक्ष्य को पाने का जो जज्बा है, जो निश्चय है, वो इतना दृढ़ और इतना फर्म होना चाहिए कि आपको कोई भी चीज़ हिला ना सके। सियाचिन दुनिया के सबसे ऊंची और दुर्गम रण क्षेत्र में शुमार है, जहां दुश्मन के अलावा प्रकृति भी सेना के जवानों के सामने चुनौतियां हर वक्त पेश करती है। इन दुर्गम इलाकों में हेलीकॉप्टर को लाइफलाइन कहा जाता है। यहां हेलीकॉप्टर उड़ाना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन खतरों से खेलना स्क्वाड लीडर खुशबू की आदत में शुमार है। हमें जहाँ से आगे सोचना पड़ता है, सो यू हैव टू बी अहेड ऑफ द एयरक्राफ्ट। आपको ये सोचना पड़ता है कि आज जहाज कैसे बिहेव करेगा। यू हैव टू फील द एयरक्राफ्ट कि आज मैं लैंड करूंगी तो इतना पार होगा, आज हवा ऐसी चल रही है, मौसम ऐसा है, टर्बुलेंस इतनी है, स्नो उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी, तो ये सारी चीज़ें ख्याल में रखते हुए हम लैंड करते हैं वहाँ पे। मौजूदा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कई सारे अभियान चला रही है, लेकिन भारतीय वायुसेना भी महिला अफसरों को हर रोल में प्रमोट कर रही है। भारत की लड़कियों ने दिखा दिया है किसी भी रोल में वो लड़कों से कमतर नहीं है। विंग कमांडर आशा ज्योतिर्मयी स्काई डाइविंग में माहिर है। हजारों फीट की ऊंचाई से छलांग लगाना इनका शौक है। बेसिकली मैं एक अकाउंट्स ऑफिसर हूँ जिससे हम फ्लाइंग में नहीं जा सकते हैं, बट मुझे फ्लाइंग से इतनी लगाव है तो मैंने सोचा कि काश मैं भी उड़ सकती हूँ। तो मैंने सोचा जितने भी जहाज ऊपर जाएंगे उसे खोद के दिखाऊंगी। तो ये सपना मैंने पूरा किया और इसके लिए मुझे प्लेटफॉर्म दिया गया है सिर्फ एयरफोर्स ने। वही विंग कमांडर निरुपमा पांडे भी युवा पीढ़ी के लिए एक मिसाल है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर बात तिरंगा फहराने की हो तो वहाँ भी वायुसेना की जाबाज महिला ऑफिसर्स अपने बुलंद हौसलों का लोहा मनवाती है। दिल्ली से रविकांत रॉय के साथ टीम न्यूज़ नेशन।